प्रदेश संयोजक यूनाइटेड टीम फॉर आवाम और जिन पर हमला हुआ विक्रम पटेरिया जी हैं, यूनाइटेड यूटा के प्रदेश संयोजक हैं। अब भ्रष्टाचार के खिलाफ जो ये लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, हमारा संगठन लड़ रहा है, उसी का परिणाम ये हमला है। और आज से 15 दिन पहले हमला हुआ था जिसकी NCR कोतवाली में दर्ज है। अच्छा, किस चीज़ से हमला किया गया? कितने आरोपी थे? 3 लोग थे। क्योंकि मैं मेरे घर से ये निकले थे तो मैं गेट तक छोड़ने आया था, रोड तक, तो वहीं हमला हुआ। हमलावर पहले से बैठे थे वहाँ दुकान में जो बंद हो गई थी, पान की दुकान में बैठे थे। और मैं आगे बढ़ा, जैसे ही इनको गिराया तो एक व्यक्ति रिवाल्वर निकाला मेरी तरफ, तब मैं दूर हट गया। रिवाल्वर निकाला मुझे लगाने के लिए उसने, हाँ। तो फिर हौसले पस्त हो जाते उन लोगों के, हैं वही लोग ये लड़ाई जिनको हमारी बर्दाश्त नहीं हो पा रही। पुलिस वाले ने जब आएंगे तो कितना मारपीट हुई है, घायल है उसका, इलाज के लिए लाए। किस टाइप की चोटें हैं और क्या रेफर किया जा रहा है? तो सर में चोटें हैं मेन, जिसके लिए उनको रेफर किया जा रहा है। कहाँ रेफर किया गया? मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर।